अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस, दिस इज असदुल केपी और आज है मेरा व्लॉग का डे 22 फाइनली 22। यार आप कह रहे होंगे आज तो कॉलेज में आई नहीं, ड्रेस दूसरा पहने हुए। जी हाँ बिल्कुल, मैं आज कॉलेज नहीं गया, छुट्टी थी। मैंने कहा चलो भाई आज जो है ना थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट भी कर लेना चाहिए। हफ्ते में एक छुट्टी वैसी होती है, एक छुट्टी आप भी कर ले तो ईजी हो जाता है बंदा। वो मैंने एक क्लासेस कल भी दी थी, मैंने कहा आज भी नहीं होगी तो नहीं जाते। वो अभी फिलहाल घर पे हैं, इंशाल्लाह रूटीन देखते हैं कैसी गुजरती, अच्छी गुजरेगी। वो मुनीब भाई आपने बोला था कल के यार आप सही नहीं लग रहे, थोड़ा आप सेटिंग करें, तो मैंने सेटिंग कर दी, अब ठीक है ना। मैं अभी अभी गया हूँ, मैंने कहा यार पहले वो मुनीब भाई आपका कॉमेंट याद आ गया, मैंने कहा पहले मुनीब भाई का काम करना है भाई। मुनीब भाई ने कहा सही नहीं लग रहे, तो मैंने कहा भाई मुनीब भाई की बात मानेंगे, सेटिंग करिए। असल में ना मुनीब भाई जब आपका कमेंट आता है, जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कि मुनीब खान कमेंटेड, तो यकीन जाने मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा होता है, पता नहीं चल रहा होता अभी मुनीब भाई ने क्या बोला होगा। क्योंकि पता है ना ये मेरे जो वीलॉग जितने भी हैं, फैमिली वीलॉग्स है, फैमिलीज देखती है। मैंने कहा भाई आपने कैसे कमेंट कर लेना है कि मैं फिर कहूँगा यार मुनीब भाई को अभी रिपोर्ट करूँ या क्या करूँ, और आपको रिपोर्ट मैं करूँगा नहीं, आप मेरे दोस्त हो ठीक है। तो मुनीब भाई ये सीन चल रहा है, तो आप कमेंट थोड़ा मोहतात सी क्या करें, मुझे वैसे ही डर लग रहा होता है। मैंने कहा चलो भाई ये भी बोल देते हैं, कुछ तो है नहीं। मैंने असल में आज कहीं जाना भी, देखते हैं कहाँ जाए। वैसे एक उर्स आ रहा है, मैं वहाँ भी आपको बताऊँगा, वहाँ उर्स भी दिखाऊंगा, यहाँ पे गंगोर श्री जिंदा पीर, तो वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा। डाटा काम नहीं करता तो लाइव नहीं दिखा सकूँगा, पर हाँ वहाँ शॉट करूँगा, मतलब पूरी वीडियो दिखाऊँगा क्या सीन होता है। इतने पंजाब से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अब काफ़ी बहुत ज़्यादा रश होता है, पूरा क्वार जो है ना इसकी वजह से रश होता है, तो वहाँ भी जाऊँगा। तो बहरहाल मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ, अभी देखता हूँ क्या सीन है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज जुम्मा भी है, सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक भी हो यार। जुम्मे मुबारक के साथ साथ मेरे चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब कर ही दें। बेटा मैं फुटबॉल के साथ इसी तरह नहीं बैठा, असल में तला ने मुझे दिया चैलेंज, ये पीछे देख रही है मेरे साथ गोल और तला मेरा वीडियो कर रहे हैं। मैंने कहा वीडियो बना लेता हूं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कौन सा चैलेंज है। असल में हमने छोटा छोटा गोल करना है, हमारा गोल किस तरह हॉकी की तरह गोल होगा ठीक है। तला साथ है और हमने तीन तीन पॉइंट्स है, तीन तीन गोल करने हैं। अभी गेम स्टार्ट करते हैं, तला भी आपको शो कराता हूं। ये गोल है हेलो गाइस, ओला में आज हराने हफ्ते बड़े भाई को, और पहले तो आप लोग को हम तरीके इंट्रोडक्शन दिखाते कैसे खेलेंगे। अभी हम हेलमेट पहनेंगे, क्यों मार ना दे बड़ों को, क्यों भाई हॉकी थोड़ी है, हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट नहीं पहना, सीधा डायरेक्ट करना ठीक है। हॉकी की तरह हम गोल करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं फिर आपको समझ आएगी। इस हमने जो है ना गेम बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, गेम जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलो और मैं हॉकी की तरह लेकर आऊँगा, मैं हॉकी की तरह लेकर जाऊँगा और मैंने हॉकी की तरह ही गोल करना ठीक है। अपनी जगह से हिलना नहीं है। ओह टू जीरो, अच्छा थ्री, तीन में मारे या तीन में टू किए हैं, ये तीन में तीन करेगा। मैं और तला थे घर पे, मैंने कहा यार क्या करे, तो अभी समझ नहीं आ रही थी भाई, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का मूवी देख रहे थे टीवी देख देख कर, तो हम पक गए थे 90s की टीवी को देख देख कर। तो मैंने इसको कहा यार मेरे लिए जाओ ऑमलेट बनाओ, अंडा से बनाओ, कुछ भी बनाओ बना लो। वो कहते नहीं भाई मैं नहीं बना सकता। उसने कहा भाई आप बना लो, आप बड़े हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो हमने इसलिए ही हमने चैलेंज रखा ठीक है। तो चैलेंज में फैल मैं जीत गया, तो भाई मैं अपनी मोनोपोली पूरी चला रहा था ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक है अभी जाओ मेरे लिए अंडा तैयार करो, मतलब जैसी भी, कहते मुझे नहीं आता। मैंने कहा ठीक कोशिश करो, जैसे ऑमलेट बनाते हो जो भी करो कोशिश करो। तो उन्होंने कोशिश की, अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह उसने बनाया। ये तल है पूरा थका हुआ था, मैंने कहा चलो भाई ये ऑमलेट बना लिया मजा आया, फिर चैलेंज लगाओगे ठीक है, फिर अगले व्लॉग में देखे अगला चैलेंज। तो ये गाइस ने मेरे लिए ऑमलेट तैयार किया, टूटा फूटा ठीक है, कोई बात नहीं भाई मैं खाऊंगा, कोई बात नहीं मैं तो खाऊंगा भाई। भाई मैंने इतनी मेहनत की और तीन में से दो गोल किए, मैंने कहा कुछ तो पल तो मिले ना, अभी मैं पल ले रहा हूँ ठीक है, मैं खा रहा हूँ ऑमलेट, टूटा फूटा ऑमलेट खा रहा हूँ, मिलते हैं ऑमलेट खाने के बाद। तो अभी मैंने चेंज किया, मैंने कहा चलो थोड़ा नीचे चलता हूँ, तो मैंने देखा तो तल्ला ने मेरे भाई ने छोटे भाई ने मेरी लैम्बो निकाली हुई थी, वो दो रह गए थे, मैं दो तो, मैंने कहा चलो ठीक है भाई अच्छा करे हो मेरे साथ ही, अच्छा करे हो तो अच्छा करो भाई। मैं असल में मुझे धूप से थोड़ी एलर्जी है, मेरे हाथ खराब है, तो मैं नज़दीक नहीं जा रहा, मैं अपना काम करूँगा। अभी बाइक चला रहा है, मैंने कहा चलो भाई मैं भी पीछे बैठ गया और इन्जॉय करे, हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। तल्ला बाइक चला रहा है, तल्ला बाइक चला रहे हो गाइस। तो फाइनली बस जुमे की नमाज़ पढ़ ली है, बाइक के साथ जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो जी अभी घर चलते हैं,
तो जुमे की नमाज हो गई है माशाल्लाह से। उधर भी एक सीन हो गया, वो घर में जाकर बताता हूँ। अभी शर्म आ रही है, लोग उधर से निकल रहे हैं, औरतें निकल रही है, मैं इस तरह मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो समझ रहे हैं कि मैं मोबाइल शो करवा रहा हूँ या फिर पता नहीं उनसे वीडियो कर रहा हूँ, पर पता नहीं उनको कि मैं वीलॉग बना रहा हूँ। तो भाई ये खैबर पख्तूनख्वा है, क्वाड है क्वाड। तो मस्जिद में सीन इस तरह हुआ था कि मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठा था, तो छोटे भाई ने मुझे एकदम से चैलेंज दिया, कहते भाई आपको चैलेंज है साथ वाले बंदे की आवाज़ जो है ना उसको आप टच करें। तो साथ वाला बंदा जो है ना अनजानता स्ट्रेंज था, मैं उसको जानता भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने बड़ी हिम्मत की। वैसे बड़ा डर लगता, मतलब डर नहीं, मतलब अजीब सी बात है यार, आपके साथ बंदा बैठा है, उसने घड़ी पहनी है और आप उसकी घड़ी जो है ना टच करें तो बहुत ही वो स्ट्रेंज लगता है यार, वो ऑकवर्ड भी लगता है। तो मैंने दिल बड़ा किया, खुतबा शुरू था, मैंने एकदम से उसकी घड़ी टच की, तो वो जानने वाला नहीं था, उस बेचारे ने जो है ना घड़ी उतार कर मेरे सामने रख दी। उसको उसने समझा कि मुझे घड़ी चाहिए, तो मुझे इतनी ऑकवर्डनेस फील हुई यार, मैं चुपचाप हो गया। उधर खुतबा भी शुरू था, तो ये सीन हो गया था। अभी जा रहा हूँ ट्यूशन के, ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो ये सीन भी बता देता हूँ। सवाल करने इनको सिलेबस में दिए हुए हैं, तो मुस्तफ़ा जल्दी जल्दी बताओ आपका नाम क्या है? वेरी गुड। और आप जो है ना किस जमात में पढ़ते हो? अच्छा वहाँ स्कूल में पढ़ते हो, वेरी गुड। आपकी टीचर का नाम क्या है? टीचर। टीचर है, ठीक है। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल नाम है, स्कूल नाम है, और नाम। ठीक है, आपके स्कूल का नाम स्कूल है, ठीक है। आप किस शहर में रहते हैं? वेरी गुड, एक जवाब इसने सही दिया गाइस। ये इसको सिलेबस मिला था, मैं कोशिश कर रहा था इसे पूछने की, लेकिन यार बहुत थक गया हूँ, कसम से बहुत थका दिया, छुट्टी करो मैं इनसे। मैं फाइनली ट्यूशन से घर आ गया हूँ, इधर घर आ गया हूँ, ईजी होकर बैठ गया। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा चिल कर लो, अभी चिल कर रहा था, फिर मुझे याद आया कि आज जो है ना वर्ल्ड साइड डे भी है। तो वर्ल्ड साइड डे मतलब नज़र के दिन, तो क्या एडवाइस यही है कि जो है ना अपनी नज़र का ख्याल रखें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। मैं भी काफ़ी कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये एडवाइस बनती है, ठीक है। तो मोबाइल का इस्तेमाल, मेरी वीडियो खैर है देख लिया करें, बाकी इस्तेमाल बहुत ही कम किया करें। और इसी के साथ जो है ना मैंने आज जाना था गंगोल शरीफ, वो भी दिखाना था क्योंकि और शुरू है, लेकिन यकीन माने ट्यूशन और इधर उधर इतने काम हो गए कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि उधर जब आप जाओगे तो काफ़ी ज़ाहरी बात है आपको वीडियो बनानी है, आपको प्रॉपर जाना है, तो टाइम लगता है और इतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो इंशाल्लाह और खैर है, एक टेंशन ना ले, एक दिन का नहीं है, तीन दिन का है, तो मैं कल जाऊँगा, कल आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा। इस तो यार बातें काफ़ी हो गई है, खैर ये जो एडवाइस मैंने अभी दी है वो मुझे कल देनी चाहिए थी आज, लेकिन खैर है, बस आप भी गुजारा कर ले यार। मैं कल से कोशिश करूँगा कि एडवाइस पहले से ही दूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आप तक लेट पहुंचती है, मैं रात को अपलोड करता हूं, तो मुझे चलो खैर है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं भाई, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही तो काफ़ी है ना। तो यार वीडियो भी एंड कर लेते यार, काफ़ी जो है मैंने ब्ला ब्ला काफ़ी कर ली है, तो आज का दिन भी गुजर गया, टाइटल भी दे रहा हूँ अच्छा सा, देख लेंगे थंबनेल पे प्यारा सा नज़र आएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी भाई, अच्छा है, वीडियो पे क्लिक करें आपको खुद ही नज़र आ जाएगा, मज़ा आएगा, यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। और जो है ना यार आखिर में फिर से पता नहीं आखिर में फिर कह रहा हूँ आपको कि यार आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके करें, लाजमी करें, अपने भाई के साथ करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।